90% से ज्यादा अमरीकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले उठ जाते हैं। जरा भी देर हो जाए तो बर वक्त दफ्तर में नहीं पहुंच सकते। बड़े से बड़ा डॉक्टर 6 बजे सुबह अस्पताल में मौजूद होता है। पूरे यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कोई कारखाना, कोई इदारा, कोई अस्पताल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 बजे आ जाए। आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुका है। पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे का नाश्ता, दोपहर 11:30 बजे लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती, उसका कोई रिलेटिव नहीं है, ना उसने किसी को पैदा किया है, ना किसी ने उसको पैदा किया है। जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। अगर ईसाई वर्कर थॉमसन मेटकॉफ सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो कामयाब होगा, तो दिन के 1 बजे तौलिया बर्दार कनीजों से चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाह क्यों ना हो, नाकाम ही रहेगा। बदर में फरिश्ते नुसरत के लिए उतारे गए थे, लेकिन उससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर कब्जा कर चुके थे, जो आसान काम नहीं था। और खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर या तो जंगी हिकमत अमली पर गौर करते रहे या सजदे में पड़े हुए थे। हैरत है उन दानिशवरों पर जो ये कहकर कौम को मजीद बंग और अफीम खिला रहे हैं कि पाकिस्तान 27वीं रमजान को बना था, कोई उसका बाल बीगा नहीं कर सकता। अगर सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान अल्लाह की थी तो क्या सल्तनत खुदादाद मैसूर टीपू सुल्तान की जो सल्तनत थी क्या वो अल्लाह की नहीं थी? जिस मुल्क के माशाल्लाह वोटर हमारी तरह जहनी गुलाम हो, पीर गुंडे हो, मौलवी मुनाफिक हो, डॉक्टर बेईमान हो, सियासतदान और पुलिस डाकू हो, कचहरी बैठक हो, जजेस बेतवार हो, वकील बदमाश हो, जर्नेल बुजदिल हो, लिखारी खुशामदी हो, अदाकार भांड हो, टीवी चैनल पर मसखरे दानिश्वर हो, ताजर बेईमान और सूदखोर हो, दुकानदार चोर हो, आवाम अपनी जहालत और मामूली वक्ती फायदे के लिए अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल से लापरवाह हो, मेरी तरह जहां 3 साल की बच्ची से लेकर 50 साल तक की औरतों का रैप मामूली बात और मुजरिमों को सियासी दबाव में आकर छोड़ दिया जाए, इस्लामाबाद मरकजी हुकूमत के दफातर हैं या सूबों के दफातर या नीम सरकारी इदारे, हर जगह लाल किला की तरह जिंदगी का दौर दौरा है। कितने वजीर, कितने सेक्रेटरी, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर, कितने पुलिस ऑफिसर, कितने डीसी, कितने क्लर्क 8 बजे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, जवाब दीजिए, आप पाकिस्तान के अवाम हैं, क्या इस कौम को तबाह बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत बचा सकती है? नहीं बचा सकती है। जिसमें किसी को तो इसलिए मसनद पर नहीं बैठाया जा सकता कि वो दोपहर से पहले उठता ही नहीं, और कोई उस पर फखर करता है कि वो दोपहर को उठता है लेकिन सुपहर तक रिमोट कंट्रोल खिलौनों से दिल बहलाता है गैजेट से, जबकि कुछ तो इस बात पर फखर करते हैं कि वो दोपहर के 3 बजे उठते हैं। क्या इस माशरे की इखलाकी पस्ती की कोई हद बाकी है? दोस्तों जवाब दे मुझे, कोई है कोई हद बाकी? नहीं है। जो भी काम आप याद रखिए दोपहर को जवाल के वक्त शुरू करेंगे उसमें आपको जवाल ही मिलेगा, वो जवाल की तरफ जाएगा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये कि हम जवाल के वक्त उठते हैं, जवाल के वक्त शुरू काम शुरू करते हैं, कभी भी इसमें बरकत और तरक्की नहीं होगी। और ये मत सोचा करेंगे कि मैं सुबह सुबह उठकर काम पे चला जाऊंगा तो उस वक्त लोग सो रहे होंगे, मेरे पास कोई क्लाइंट कोई कस्टमर नहीं आएगा, मेरे पास गाहक किधर से आएगा? तो गाहक और रिस्क रब ताला खुद भेजता है आपके पास। वतन अजीज की बका और अपनी तरक्की की खातिर इस पब्लिक वेलफेयर मैसेज को अपने हल्का अहबाब के ग्रुप्स में जरूर फैलाए ताकि इससे अमूमी रवैये के बारे में सबक हासिल किया जाए। दोस्तों पेवस्ते रा शजर से उम्मीद बहार रख, हो सकता है आपके इस मैसेज से, मेरे इस मैसेज से पूरे पाकिस्तान में थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए। याद रखें जो मुल्क जवाल के वक्त काम शुरू करते हैं उनको जवाल ही हासिल होता है। सुबह सवेरे उठें, नबी की सुन्नत को ताजा करें, वॉक किया करें और टाइम पे अपने कारोबार वाली जगह पे, अपनी जॉब वाली जगह पे पहुंच जाएं। यकीन माने पाकिस्तान तरक्की हासिल कर, आज के बाद ये सबसे बड़ी कंपेन है कि सुबह सवेरे उठें, खुदारा सुबह सवेरे उठें और अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करें। आपका बहुत शुक्रिया।